लिए दुनिया भर में कोल्ड ड्रिंक के 40 लाख कैंस इस्तेमाल किए जाते हैं। अगर इन खाली कैंस को एक के ऊपर एक रख दो तो चांद तक पहुंच सकते हो, और अगर उन्हें बेच दो तो बहामास में एक हॉलिडे होम खरीद सकते हो। इनमें से करीब 70% कैंस रिसाइकल होती है, मतलब 6 हफ्ते बाद ही एक कैन को दोबारा दुकान में देखा जा सकता है। एक साल में एक कैन को 8 बार रिसाइकल करके दोबारा बनाकर दोबारा बेचा जा सकता है। नोवेलिस कोल्ड ड्रिंक्स के यूज्ड कैंस को रिसाइकल करने वाली दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी है। वॉरिंगटन इंग्लैंड में इनकी फैक्ट्री में दुनिया भर से कैंस आते हैं। इन्हें दबाकर करीब 1000 किलो की ईंटें बनाई जाती हैं। हर एक ईंट में करीब 65,000 एल्युमिनियम कैंस हो सकते हैं। एल्युमिनियम पेपर और प्लास्टिक से एकदम अलग है, और हर बार रिसाइकल होने के बाद ये बिल्कुल नया हो जाता है। शायद ये सुनकर झटका लगेगा, लेकिन जमीन से निकला हुआ 3/4 एल्युमिनियम अब भी चीजें बनाने के काम आ रहा है। हर साल हम एल्युमिनियम की कैंस, कार्स, टूल्स, यहाँ तक कि प्लेन्स भी रिसाइकल करके बहुत एनर्जी बचा रहे, इतनी जो पूरे भारत को चलाने के लिए काफी है। कैंस की इन ईंटों को एक कन्वेयर बेल्ट पर रख दिया जाता है और 340 हॉर्स पावर के श्रेडर में डाला जाता है। एल्युमिनियम को छांटना मुश्किल है, क्योंकि बाकी मेटल्स की तरह इसे मैग्नेट यानी चुंबक की मदद से अलग नहीं किया जा सकता। तो इसके बाद कतरी हुई रद्दी यानी कि श्रेडेड स्क्रैप को एक ऑप्टिकल सॉर्टर में छंटाई के लिए 3 मीटर प्रति सेकंड की दर से भेजा जाता है। इंफ्रारेड सेंसर्स की मदद से धातु को बाकी कचरे से अलग कर लिया जाता है, और फिर हवा के जेट से प्लास्टिक और कांच को हटा दिया जाता है। एक ताकतवर चुंबक की मदद से स्टील को निकाल दिया जाता है और रह जाता है सिर्फ एल्युमिनियम। ब्रिटेन में इसे कहते हैं एल्युमिनियम और अमेरिकन्स कहते हैं एल्यूमिनियम। तो सही कौन है? तो सर हम्फ्री डेवी जो कि एक ब्रिटिशर थे, उन्होंने 1807 में इसकी खोज की थी और इसको नाम दिया था एल्यूमियम, जो कोई नहीं बोलता। फिर इसका नाम रखा गया एल्यूमिनियम और फिर से बदल कर रख दिया एल्यूमिनियम। तो या तो वो बहुत कंफ्यूज थे या उन्हें इसकी स्पेलिंग नहीं आती थी। एल्यूमिनियम होता है एल्यूमिनियम। अब चाहे इसे एल्यूमिनियम कहें या एल्यूमिनियम, दोनों में ही रंग और रोगन होते हैं। अब एल्यूमिनियम को 550 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करते हैं। एल्यूमिनियम 600 डिग्रीज पर पिघलता है, लेकिन रंग और रोगन के साथ ऐसा नहीं होता। वो फौरन भाप में बदल जाते हैं। साफ सुथरे एल्यूमिनियम को अब अगले स्टेज के लिए जाना है, यानी कि मेल्टिंग। इन दो भट्टियों में भयानक तेज 730 डिग्री सेल्सियस तक का तापमान होता है, और हर भट्टी में करीब 100 टन एल्यूमिनियम डाला जा सकता है। अब दिक्कत यह है कि पिघलने पर एल्यूमिनियम हवा के साथ रिएक्ट करता है और ऊपर तैरती हुई परत बन जाती है जो एल्यूमिनियम ऑक्साइड होती है। इस अनचाहे ऑक्साइड को ड्रॉस कहा जाता है। एक बहादुर भट्टी को चलाने वाला मजदूर एक बड़ी सी मशीन की मदद से इसे हटा देता है, और अब ये धातु कास्टिंग एरिया में जाने के लिए तैयार है। अब बस दिक्कत यह है कि इसे वहां तक ले जाया कैसे जाए। इसका हल है एक ऐसा वाटर पार्क जो इस काम के लिए खास बनाया गया है। पिघले हुए धातु की एक नदी एक भट्टी की तरफ बढ़ती है जो लगभग एक डबल डेकर बस के आकार की होती है। अब किसी तरह से इस पिघले हुए धातु को एक सांचे में डालना होता है, और गजब की बात यह है कि इसके लिए पूरी भट्टी को ही उठाकर पलट दिया जाता है, और इस खतरनाक गर्म धातु का फव्वारा इन जमीन में गड़े हुए 10 मीटर के सांचों में जाता है। इसके अंदर जाकर एल्यूमिनियम के 3 बड़े-बड़े ब्लॉक्स बन जाएंगे। गर्म धातु को इसके अंदर डाला जाता है और फिर तुरंत पानी से ठंडा कर दिया जाता है। जैसे जैसे धातु ठोस होती है, वैसे वैसे घनी होकर सांचे के नीचे बैठती जाती है, और ऊपर की तरफ और ज्यादा एल्यूमिनियम भरा जा सकता है। 2.5 घंटे के बाद एल्यूमिनियम की 3 बड़ी-बड़ी चट्टाने बन जाती हैं, जिन्हें इनगट्स कहते हैं। हर एक 10 मीटर लंबी है। इनका वजन 27 टन है और 15 लाख रिसाइकल्ड कैंस से बनी हुई है। एल्यूमिनियम या एल्यूमिनियम इसलिए महंगा नहीं है क्योंकि ये मुश्किल से मिलता है। असल में धरती की सतह में सबसे आसानी से मिलता है ये। ये इसलिए महंगा है क्योंकि चट्टानों के बीच से इसे निकालना बहुत मुश्किल है। 150 साल पहले ये सोने से भी महंगा हुआ करता था।
आज एल्यूमिनियम की डिमांड इतनी ज्यादा है कि इनगट्स बहुत जल्दी बिक जाते हैं। अब इन्हें फिर से कैंस में बदलना होगा और ये सफर 900 किलोमीटर दूर जर्मनी की रोलिंग मिल में शुरू होता है। यहाँ पर इन्हें एक और भट्टी में 525 डिग्री तक गर्म किया जाता है, जिससे एल्यूमिनियम एटम्स के बीच के बॉन्ड्स ढीले पड़ जाते हैं और इनगट्स में किसी भी तरह का तनाव खत्म हो जाता है। फिर इसे कई सारे रोलर्स से कई बार गुजारा जाता है। ये पेस्ट्री को रोल करने जैसा है। हर बार रोलर्स इस धातु को पतला करते जाते हैं, जब तक कि ये 1 मिलीमीटर के चौथाई हिस्से जितना पतला ना हो जाए और 10,000 मीटर लंबा, यानी इसकी वास्तविक लंबाई से 1,000 गुना ज्यादा। एल्यूमिनियम की बड़ी बड़ी रील्स यूके में बॉल पैकेजिंग में लाई जाती हैं, जहां इनसे कैंस बनाए जाएंगे और शायद कुछ ऐसी चीजें भी जो इस दुनिया के लिए है ही नहीं। हमारे 3 उत्पाद वर्ग हैं, बेवरेज पैकेजिंग, हाउसहोल्ड मेटल पैकेजिंग और हमारा एक एयरोस्पेस डिवीजन भी है। दिलचस्प बात यह है कि बेवरेज कैंस बनाना वाकई एक रॉकेट साइंस है। कैंस में इस्तेमाल होने वाला एल्यूमिनियम रॉकेट्स में इस्तेमाल होने वाले एल्यूमिनियम से काफी मिलता जुलता है, तो क्या पता, हो सकता है आपका पुराना कोल्ड ड्रिंक का कैन अंतरिक्ष चला गया हो। इसी दौरान यहाँ धरती पर एल्यूमिनियम की इन चादरों को एक तेज चलने वाली कपिंग प्रेस में डाला जाता है। इस भारी मशीन से हजारों छिछले यानी शैलो कप्स बनकर निकलते हैं और इनको कैंस में बदलने के लिए इन्हें जोर से दबाना पड़ता है। हर कैन को कई सारे छल्लों में से गुजारा जाता है और हर छल्ला पिछले वाले से छोटा होता है। इन छल्लों से एल्यूमिनियम को गुजारने से ये दबकर एक सिलेंडर बन जाता है और एक नया कैन तैयार होता है। पहली बार जब किसी ने एक एल्यूमिनियम कैन में कोई बेवरेज डाली थी तो वो थी बियर। ये बात है अमेरिका की 1959 की, और तब भी उन्हें रिसाइकल किया जाता था और कैन लौटाने पर पैसे भी मिलते थे। यहाँ रोज करीब 65 लाख एल्यूमिनियम कैंस बनाए जाते हैं और दुनिया भर में भेजे जाते हैं। ये कितना सारा एल्यूमिनियम है। चलो ये तो अच्छी बात है कि हमारे पास एल्यूमिनियम की कमी नहीं है।